पूर्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल अहिरकर का जन्मदिन था, जिसके चलते सुबह से ही अनिल अहिरकर के यहाँ उनके शुभचिंतकों का तांता लगा हुआ था। कई लोगों ने उन्हें इस अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं दी। इस दरमियान BCN की टीम से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि लोगों की जनसेवा करना ही उन्होंने संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहायता करना और लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराना ही मेरा ध्येय रहेगा। आज सही माने में अगर अपने मेरे अंदर की आवाज जो थी, क्या मैं 65 कंप्लीट करके 66 में जा रहा हूँ, मेरे एज के मेरे दोस्त जितने भी हैं मित्र, वो रिटायर्ड होके घर में बैठे हुए हैं, संडे आज रेस्ट कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। तो मैंने भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा सोचा कि ऐसा मैं करूँ अभी, लेकिन कुछ हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट पॉलिटिकल और सोशल मेरे जो मित्र हैं, जो क्योंकि हम समाजकरण में राजकारण में रहते हैं, तो उनसे सब मैंने ये बोला कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं अभी सब मेरे जितने पद है नागपुर शहर में, प्रदेश का उपाध्यक्ष से लेकर तो ये संस्था के अध्यक्ष तक, और सारे आज मैं छोड़ने वाला था और इसके बाद में एक चैरिटी का वर्क करूँगा, ऐसे मैंने सोच रखा था। साल भर से मेरे दिमाग में चल रहा था ये। फिर मेरे नियरेस्ट डियरेस्टों के साथ में जब बैठा और मैंने उनके समक्ष ये बात रखी तो सब रिएक्ट हुए, बोले ये तो आप अपना फायदा सोच रहे हो कि अपने लिए कुछ करना चाहते हो। बोले हम आपके साथ इतने दिन से अगर है समाजकरण में और राजकारण में, तो फिर हमारे लिए क्या। तो वो फिर मुझे भी लगा कि ये सेल्फिश नेचर मेरा, तो फिर मैंने विचार बदल दिया अभी। और मैं जब तक मेरे मन में रहेगा काम करने का, तो मैं काम करते रहने का मतलब है कि हमारे वजह से जनमानस में जो लोगों को वंचित लोग हैं और जो जिन पर अन्याय होता है वो दूर करने के लिए पॉलिटिकली वैसे काम करें, और सोशल, मैं सोशल भी हूँ तो सोशल वे में लोगों की मदद हम कैसे कर सकते हैं वो हम सोचें। और एज ए बिजनेसमैन अगर मुझे कहोगे, क्योंकि शहर में मुझे एज ए बिजनेसमैन भी जानते लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकूं, इस पर मैं विचार करूंगा। और आगे ऐसा शिक्षित बैठे में मैंने जाहिर भी किया था कि मैं एम्प्लॉयमेंट देने की बात करूं, आज की ज़रूरत है वो आज के यूथ की, तो उस पर मैं काम तब से ही कर रहा हूं। और अभी भी मेरे पास अगर कोई भी कभी भी आता है तो मैं, दो हाथ ईश्वर ने अगर दिए और उसकी क्षमता काम करने की है, तो मैं कहता हूँ कि भाई आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए जूझना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा।